नमस्कार दोस्तों, A1 क्रिएटिव स्टूडियो के YouTube लाइव में आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है अजनबी वाजर भाई साहब का कि सर, मैं एक होम में साउंड सिस्टम लगा रहा हूं और मेरे पास 30 वाट के 16 स्पीकर हैं, इनको एम्पलीफायर से कैसे कनेक्ट करें, प्लीज़ डायग्राम सेंड करें। तो हो सकता है, देखिए इनकी इस टाइप का स्पीकर 30 वाट की जो 8 ओम का स्पीकर रहते हैं, इस टाइप का 16 स्पीकर इनके पास है। हो सकता है बहुत लोग भी ये वाला सवाल भी पूछते हैं, बहुत सारे जो ट्विटर्स रहते हैं, 16 ट्विटर्स, 32 ट्विटर्स, 8 ट्विटर, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे एम्पलीफायर सिस्टम में। तो एक ही सवाल और बहुत सारे सवाल, एक ही आंसर। तो जल्दी से चलिए, कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे ट्विटर को, स्पीकर को आपकी एम्पलीफायर के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे जरूर शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए, तो हमको कनेक्शन करना है पैरेलल या सीरीज कनेक्शन पे। अब पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के बारे में वीडियो है मेरे साथ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये बना रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एक स्पीकर है 8 ओम का, मतलब यहाँ पे 8 8 8 8, ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे 16 स्पीकर है, 4 4 4 4 16 सेट पे यहाँ पे है। तो कनेक्शन कैसे करना है, आप देखिए एक स्पीकर में एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। तो आपको करना क्या है, 4 सेट का एक स्पीकर बनाइए। देखिए यहाँ पे सारे प्लस को एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया और वहाँ से एक तार निकालाया, उसको बोलते हैं मेन प्लस। अब आपको करना है इस टाइप का 4 सेट आपको बनाना है, ऐसे जिसे आपने 4 यहाँ पे OR से प्लस निकाला, चारों सारे प्लस को ज्वाइंट किया, एक OR वहाँ से निकाला, सारे नेगेटिव को ज्वाइंट किया, एक नेगेटिव निकाला। अब आपको करना है इस टाइप का 4 सेट उसको कर देना है, और नेगेटिव को फिर क्या करना है, एक सेट का नेगेटिव का दूसरे को पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देना, जैसे OR जैसे कनेक्ट करते हैं। और आपको करना क्या है, कैसे और ये कैसे आपकी ओम निकलता है उसका कैलकुलेशन भी हम बताते हैं। इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब आप सारे प्लस को एक साथ और सारे माइनस को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं, इसको पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। अब सीरीज कनेक्शन क्या है, एक का प्लस के साथ दूसरा का माइनस, एक का माइनस साथ दूसरा प्लस, अगर ऐसे लगाते जाएंगे तो आप उसको सीरीज कनेक्शन करते हैं। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल ये 8 8 8 8 पैरेलल हो गया, मतलब ये आपका हो जाता है, उसका एक कैलकुलेशन है, 1/Z = 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3, उसको भूल जाइए। अगर यहाँ पे आपकी 8 8 ओम है, मतलब आपकी ये पैरेलल करेंगे तो आपका 2 ओम आएगा, तो मतलब ये सारे को अगर आप मिला लेंगे तो टोटल 2 ओम आएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो इसका 2 ओम आएगा, इस सबको मिला दिया तो 2 ओम आएगा, पैरेलल कर दिया तो ये सबका भी 2 ओम आएगा। तो ये 2 2 2 2, मतलब ये चारों सीरीज हो गया, 2 2 ओम का, 2 2 2 2, तो 8 ओम, मतलब ये प्लस और ये OR के बीच में आपका 8 ओम आएगा। समझ में नहीं आया तो कैसे कनेक्शन करेंगे, चलिए देखिए ये वाला सिस्टम आपको दिखा दिया। ये प्लस को क्या करना है, आपको लेके 8 ओम पे, ये आपका एम्पलीफायर है, इस टाइप का एम्पलीफायर, तो ये प्लस को लेके आप 8 ओम पे डालना है और कॉमन को लेके माइनस पे डालना है। समझ में आ गया, प्लस को लेके 8 ओम पे, माइनस को लेके कॉमन पे डालना है, और ऐसे आपकी पूरी जो सिस्टम है चल जाएगी। हो सकता है ये कनेक्शन आपको अच्छा लगा होगा, ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। याद रखें ये सारे 8 ओम के हैं, तो ये एक पहले पैरेलल किया, उसके बाद उन सबको सीरीज किया। अगर इसी हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कैलकुलेशन करना चाहेंगे, सपोज ये आपका 4 4 ओम का होता तो ये 4 4 ओम का होता तो ये 1 ओम आता यहाँ पे, है ना, 1 1 1 1, तो ये आता है आपको पूरा 4 ओम। अगर आप 4 4 ओम के स्पीकर लेते तो आपका ये आता टोटल 4 ओम, और 4 ओम का आपको लगाना वही है, कॉमन को यहाँ लगा देते और ये तार को यहाँ 8 नहीं लगा के यहाँ पे 4 पे लगाना है, अगर ये सारे स्पीकर 4 ओम के होते। समझ में आ गया, अब 16 ओम के होते तो 16 पे लगते, तो ये आपको कॉम्बिनेशन पता हो गया ना, अगर सारे के सारे 8 ओम का है तो 8 ओम पे लग रहा है, अगर 16 ओम होता तो 16 पे लगता, अगर 4 ओम के एक स्पीकर होता तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए, सीरीज पैरेलल कैसे हमने पैरेलल सीरीज किया तब हो सकता है ये कनेक्शन। तो फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर हमको पूछिए, और वीडियो को शेयर करें, बहुत सारा लाइक करें, और बस इतना ही। जय जगन्नाथ।
आज के